जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। जैसा कि मैंने M51 के अनबॉक्सिंग वाले वीडियो यानी कि जो शुरू शुरू में बताया था, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि ये बाकी सारे टास्क करने में कितना ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, लाइक हैवी काम करने में, वो सारे मैं टेस्ट करूंगा इसके साथ। तो पूरा क्लियर, स्ट्रेट और एकदम सही से सब कुछ क्लियर करता हूँ। और एक प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, बट ये एप्लीकेशन काम की है। ऐप का नाम है मेजो मैसेजेस। ये ना एक सिंपल और क्लियर से एप्लीकेशन है, आपके सारे जो अलग अलग मैसेज आते हैं ना डिपार्टमेंट वाइज, उनको अलग अलग कर देता है, जिनको सर्च करने में मैसेज को बहुत इजी होता है, बहुत ही सिंपल क्लीन सा तरीका है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल में क्या करेगा आपके मैसेज, बिजनेस में जैसे मेरे पास ये आ रखे हैं ब्लू डर्ट या इन कुरियर वगैरह वाले सारे आते हैं ना, तो एक बिजनेस रिलेटेड प्रोफाइल तैयार कर देगा। और स्टेटमेंट बैंक से रिलेटेड है तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको याद रखना। और जो यहाँ पर स्पैम वाले मैसेज है ना, उनको भी ये ब्लॉक कर देता है। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफी क्लियर है, ना कोई फालतू का आपको यहाँ आईडी बनानी है, ना पर्सनल नंबर देना है। और ये ऑफलाइन काम करता है, मतलब कोई हमारे मैसेज वगैरह जाके सर्वर पे अपलोड नहीं होते, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। कोई एप्लीकेशन में ऐड वगैरह कुछ नहीं है, मतलब इसको आप ट्राई जरूर करना है। एक इंडियन एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जिनके लिए पेड मेंबरशिप है, वो आप चेक कर लेना। अब आ जाते हैं फोन पर वापिस, क्योंकि भाई सैमसंग ने यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G यूज किया इस बार, मतलब ये नॉर्मली नहीं देते ये सब, तो यहाँ पर क्लियर है जो परफॉर्मेंस है ना। यहाँ पे मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग उसके बाद स्वाइप करते हैं, ये सारी चीजों में स्मूथनेस यस क्लियर फील होता है। लेकिन कितनी बेहतर परफॉर्मेंस मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल के देखा। स्नैपड्रैगन 730G में जैसे बाकी फोन में मिलता है, यहाँ पर भी एक अच्छी एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एसफेल्ट 9 जब मैंने प्ले करके देखा, यहाँ पर मुझे कुछ फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, बट यही चीज मैं फिर कहूंगा जो मैंने और फोन में ट्राई किया 730G के साथ, वहां पर भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा ना आपको ऐसे ऐसे लग रहा होगा, तो प्रैक्टिकल कितना परफॉर्मेंस है उसके लिए मैंने अलग से टेस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, 3 दिखा रहा हूँ मैं आपको, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। पहले तो रेंडरिंग टेस्ट किया यहाँ पे 30 मिनट की वीडियो को, जहाँ पे 4 लेयर थी, यानी कि आप इसको एक हैवी टाइप एडिटिंग बोल सकते हो। फर्क देखने के लिए सेम प्रोसेसर के साथ पोको X2, अगर आपके मन में आ रहा होगा OnePlus Nord क्यों, तो OnePlus Nord जो इन प्रोसेसर से थोड़ा सा एक अगला वर्जन है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अंदाजा लगाने के लिए, मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ या किसी को छोटा बड़ा फोन दिखाने के लिए नहीं है, एक प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा आपको, यही एक तरीका था 3 फोन का। तो नोड ने 8.5 मिनट लिए और M51 ने 13.5 मिनट लिए और पोको X2 ने लिया 14 मिनट इस रेंडरिंग में। और अगर आप सोच रहे हैं नोड और M51 के प्रोसेसर में जो डिफरेंस आ रहा है, भाई प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पर जो 765G है ना, वहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है ना 2.4 GHz तक जा सकती है, और जो क्रायो के कोर है उनमें डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और एडिटिंग में CPU काफ़ी यूज होता है, और टेम्परेचर 8 डिग्री नोड का बढ़ा, उसके बाद 7 डिग्री M51 का और 9 डिग्री पोको X2 का। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, और ना ही ये तीनों फोन में हीटिंग इशू नहीं है भाई, तीनों के तीनों से आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा। और इवन मैंने 2 टेस्ट और किए, मतलब 1 GB से ऊपर की फाइल को मैंने डीकम्प्रेस किया, सबसे पहले नोट था, फिर M51 और फिर पोको X2, और एक विंडोज 10 की फाइल को मैंने कंप्रेस किया जो 4 GB से ऊपर की फाइल थी। तो यहाँ पर नोट सबसे पहले और पोको X2 M51 में यहाँ पर 10 सेकेंड का गैप है, तो 10 सेकंड का गैप, इसको अगर आप बार बार टेस्ट करोगे ना, तो कभी वो ऊपर पास 10 सेकंड चला जाएगा, कभी ये ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इसीलिए स्पीड टेस्ट वगैरह करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, कभी कोई आगे निकलता है, कभी कोई आगे निकलता है। तो यहाँ से क्लियर है कि सैमसंग ने 730G सिर्फ नंबर से नहीं दिखाया, काम भी किया गया है। नॉर्मली मैं प्रोसेसर को इतना एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन यहाँ जरूरी था भाई, पहली बार इन्होंने यूज़ किया तो आपको अंदाजा लगना चाहिए। एक चीज़ है कि यहाँ पर ये 25,000 का फ़ोन है 25,000 का, लेकिन जो टाइपिंग एक्सपीरियंस में ना मुझे कोई यहाँ पे वाइब्रेशन फीडबैक यानी कि हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता। उसके बाद डिस्प्ले का नंबर आता है, डिस्प्ले आपको पता है कि 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस के लिए मैं एक बात बोलूँगा, चाहे वो इनडोर हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो धूपडोर हो, मतलब सनलाइट वाली बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस से शिकायत नहीं होने वाली है। बस और कितनी तारीफ करें, मतलब डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और इसीलिए तारीफ किया। लेकिन एक चीज़ मुझे नोटिस हुआ, ये चीज़ सैमसंग को अपडेट से सॉल्व कर देना चाहिए। होता क्या है कि जब आप इसको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे लाइक वीडियो देखते हो ना कई बार, या कुछ भी बहुत कम होता है, बट ये चीज़ नोटिस होता है, मैंने कैमरे पे एक जगह कैप्चर भी किया, मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें ना फ्लिकरिंग होती है, फ्लिकरिंग इन द सेंस ब्राइटनेस कभी अप हो रही, ब्राइटनेस कभी लो हो रही, आप समझ रहे हो ना, अप लो का मतलब थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, इस तरीके से फ्लिकर करता है ये।
हमेशा नहीं करता बट कभी कभी करता है, और ये अपडेट से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सैमसंग अगर इस वीडियो को देख रहा है कर देना भाई, मुझे आप पे विश्वास है आपके अपडेट अच्छे होते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी करना कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो, सीधी सी सिंपल से स्ट्रेट प्रैक्टिकल रिव्यू पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और रिक्वेस्ट भी है। और साथ में अगर इस फोन को खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अब इसके इन्वर्टर की बात कर लें, बैटरी, ये इन्वर्टर है भाई 7000 mAh। मैं आपको दिखाता हूँ अब, ओ वाओ ग्रेट, अभी ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं, 356 हो रहा है, कल मैंने 330 पे इसको चार्ज किया था फुल 100%। उसके बाद इसमें गेमिंग भी किया है मैंने, सारा काम किया क्योंकि प्राइमरी डिवाइस की तरह, और इसमें हॉटस्पॉट भी ऑन था मेरा, दूसरा ये वाला फ़ोन भी कनेक्ट रहा है काफ़ी देर इसमें बीच बीच में। अभी भी 38% बैटरी बची है, मैंने ठीक ठाक अच्छा खासा यूज़ किया भाई इस फ़ोन को। तो यस, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये फ़ोन आपको एक दिन से ज़्यादा, जो थोड़े ठीक ठाक यूज़ करते हैं, लो भी नहीं बहुत हाई भी नहीं, दो दिन बैटरी बैकअप दे देगा इजिली। और 25 वाट के चार्जर से 2 घंटे लगेंगे आपको इसको फुल चार्ज करने में। इसके बाद कैमरे का नंबर आता है, तो कैमरा मैंने इसका OnePlus Nord और Realme 7 Pro दोनों के साथ, तीन फ़ोन का इकट्ठे कैमरा कंपैरिजन किया हुआ, आपको वीडियो देखना चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कैमरा के ऊपर बात किया था। एक सेल्फी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव सैंपल, साफ कर लूँ यार, फिंगरप्रिंट आ रखा कैमरे पे। सेल्फी इसका टॉप क्लास का है, इसमें जो डायनेमिक रेंज वगैरह ना काफ़ी सही से बैलेंस किया गया है, और साथ में जो मेन कैमरा है चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, इन सब में जो ओवरऑल बैलेंस करके मैंने कहा ना, आप कंपैरिजन के लिए वीडियो देख सकते हैं, बट आपको कैमरे से शिकायत नहीं आएगी। कैमरा इसका अच्छा है, बढ़िया कलर्स देता है, डायनेमिक रेंज वगैरह, ह्यूमन टोन पे मतलब ह्यूमन स्किन पे क्या करता है, थोड़ा सा कई बार एक्सपोजर ऊपर नीचे हो जाता है, बट उसको आप हल्का सा मैनेज कर सकते हो, तो कैमरे से शिकायत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, ये 30 FPS पे करता है। कुछ लोग जी कैम के बारे में पूछ रहे थे, तो जी कैम प्रॉपर इसके लिए नहीं बना, एक जी कैम मैंने ट्राई किया था, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। जैसे ये जी कैम सैंपल है, ये नॉर्मल कैमरे से सैंपल है, और साथ में ये सीन ऑप्टिमाइजर बंद कर दिया था, तो इसका जो कलर कोरेक्शन है थोड़ा नेचुरल हो जाता है, तो मतलब कुछ खास रिजल्ट फर्क नहीं मिलेगा आपका, जो इसका नॉर्मल कैमरा है ना, मैं अभी उसे ही सजेस्ट करूंगा, और जी कैम में भी स्पेशली इसके लिए आने वाले टाइम में मिल जाए, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाना चाहिए। तो बेसिकली इस फोन के जो मेन हाईलाइट है भाई, 730G, एक तो प्रोसेसर बेटर है, इन्वर्टर यानी कि बैटरी बढ़िया है, नेटवर्क कॉल क्वालिटी या फिर जो इसका 3.5 mm का आउटपुट है ना, सब कुछ सही है भाई। और स्पीकर क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नॉर्मल सा लगा मुझे, 14-15 हज़ार रुपए का फोन का, ऐसा कुछ स्पेशल होना चाहिए था, स्पीकर थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। और जो प्लास्टिक बैग है, इसको आप दो तरह से सोच सकते हैं भाई, हाँ ये प्लास्टिक बैग कुछ भी स्पेशल नहीं है, ना स्पेशल कोई फिनिशिंग दी गई है, और सैमसंग वैसे ग्लास बैग तो देता नहीं, और अगर इसमें ग्लास बैग दे देता तो फोन का वेट और ज़्यादा हो जाता, काफ़ी भारी फोन हो जाता। और कई लोग पूछ रहे थे बल्की है फोन, नहीं भाई बल्की तो एक्चुअल मामले में पोको X3 आया, वो देखो कितना बल्की है, 225 ग्राम का, इसका वेट बैलेंस काफ़ी सही किया गया है, कैमरा वगैरह भी बाहर नहीं है इसका, और आप कह सकते हो कि इतनी बढ़िया सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है, लेकिन कोई इन डिस्प्ले स्कैनर नहीं मिलता। और मुझसे पूछा गया था कैरियर एग्रीगेशन, तो कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट नहीं करता ये, तो ओके। और नेक्स्ट One UI कोर है, जिसमें आपको पता है कि A सीरीज से थोड़े बहुत फीचर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ, तो सब आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी One UI काफ़ी कम्फर्टेबल है और काफ़ी हैंडी है, और 730G के साथ आपको स्मूथ भी फील होगा। सब कुछ रिव्यू दे दिया, क्या अच्छा मिला क्या नहीं मिला जो भी है, और अगर आपको कंसीडर करना है इस फ़ोन को, तो मैं कह सकता हूँ यस, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आई नो सैमसंग का फ़ोन है, 25,000 में 730G दे रहा है, बट भाई ये सैमसंग का फ़ोन है, One UI है, उसके बाद नॉन चाइनीज है, ये सब अगर आप पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं मेरी तरफ से। और आपकी तरफ से वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाला काम आपका, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में,